या हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अंगद वर्मा और आप जय टेस्ट पार्ट के फूड में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें। चलिए मैं दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यूट्यूब चैनल बनाते बनाते। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ जी। और तो अगर आप यूट्यूब चैनल अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से बना लेते हैं तो आपका यूट्यूब वीडियो रैंक करेगा, आपका चैनल भी रैंक करेगा और आपका जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में भी रहेगा जी। हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब चैनल अच्छे तरीके से नहीं बना पाते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कभी नहीं करेगा जी। हाँ, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका न्यू चैनल नहीं बनाना आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, जैसा कि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल बना हुआ है वैसा ही आपका यूट्यूब चैनल बनेगा जी। हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फिर क्लिक किया जी। तो जैसे आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा होम पेज दिखेगा जी। हाँ, तो जैसे मैंने होम पेज पे क्लिक किया है तो आप जैसे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको अपने लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे अपने लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमारा चैनल बना हुआ है, क्रिएट चैनल बना हुआ है, तो आपको इसी तरह से अपना जैसे स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है। स्विच अकाउंट पे क्लिक करते यहाँ पे प्लस आकर निशान दे रहा है, इस पर एक अपना ईमेल आईडी बना लेना है। या तो जैसे ईमेल आईडी आपको बना लेना है, उसके बाद आपको इस तरह से आपको इंटर कर देना है, जैसे स्विच कर देना है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी बनाए होंगे उसके अंदर इस तरह का मेरे दोस्तों लोगो आ जाएगा। जिस तरह का आपको लोगो आ जाएगा उसके अंदर अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, हैंडल लिखना है और अपना डीपी यानी कि प्रोफाइल का पिक्चर लगाना है। तो चैनल देखे पर क्लिक कर देना है। जैसे चैनल देखे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। जैसे ये हमारा शो किया है तो आपको कॉलम का ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर हमारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह चैनल सेटिंग, आपको चैनल सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो आपको कैमरे पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके अंदर से कोई भी एक फोटो फ्लैट कर सकते हैं। फ्लैट करने के बाद उसको डन कर देना है। डन करेंगे फिर आपको सेव कर देना है। ऐसा सेव करेंगे तो आपका फोटो लग जाएगा। आपको बर्नर सेटिंग फोटो लगाना है तो इस कैमरे पर क्लिक करना है। तो आपको अपने गैलरी से कोई भी एक बर्नर बना के सेट कर देना है। इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोफाइल और डीपी लग जाएगा। उसके बाद आपके चैनल का नाम लिखना है। चैनल का नाम लिखने के लिए आपको पर्सन आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पे चैनल पर नाम लिखा है टेस्ट पॉडकास्ट बोल। इस तरह से आपको कीवर्ड डाल देना है और उसके बाद सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो आपका चैनल का नाम लिख जाएगा। जिस तरह का आप चैनल बनाना चाहते हैं, जिस नाम से बनाना चाहते हैं, उस तरह का नाम आपको इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद हैंडल में ये नाम आ जाएगा तो आपको कॉलम पर क्लिक कर देना है। जी, तो जैसे आपको कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हैंडल भी आपका आप ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे हमारे में टेस्ट पार्ट का स्कूल लिखा, जो कि हमारा एक बड़ा चैनल हो गया है, इसलिए हैंडल हमारा कस्टमाइज हो गया है। आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो आप भी इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टेस्ट जैसे हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद इसके अंदर 2-3 गिनतियाँ या ABCD का कोई भी अक्षर लिखा रहेगा, उसको आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे तो यह भी आपका हैंडल भी हो गया। अगर आपका यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा है चैनल के नाम से, तो आपको हैंडल के नाम से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में तुरंत आ जाएगा, एक सेकंड के अंदर आ जाएगा। उसके बाद URL आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन लिंक, इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक भरा हुआ है। जैसे कि आप किस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, आप क्या नाम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, इस तरह का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भर देना है। उसके बाद अपने सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू, इस तरह का सब्सक्राइबर लाइक वीडियो, इस तरह कॉमेंट आपको पूरा परफेक्ट तरीके से भर देना। आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक को भर देना है। और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह का लिंक भी अपने डिस्प्ले लिंक में डाल देना है। डालने के बाद अपने नाम, अपना पता, शहर का नाम, जहाँ पे रहते हैं उस तरह का नाम लिख के उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका डिस्प्ले लिंक फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आल कीप ऑल माय सब्सक्राइबर प्राइवेट, आपको अपने सब्सक्राइबर को पब्लिक करना चाहते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहते हैं तो इसको ऑन करना है, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो आपको नहीं ऑन करना है। उसके बाद यहां से आपका पूरा सेटिंग चैनल का बन के रेडी हो गया, यानी कि 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेटिंग यहाँ पे आपका ऑन हो गया। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, सीधा मेरे दोस्तों क्रोम में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्रोम को क्लिक किया, आपको क्रोम को खोलना है डेस्कटॉप मोड साइट पे। जी हाँ, तो आपको क्रोम को खोलना है डेस्कटॉप मोड साइट पे। खोलने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। इसके अंदर आपको सर्च करना है youtube.com। सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा मैं बैंक जाता हूँ, जी हाँ, तो जैसे यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com। जैसे यहाँ पे youtube.com, जैसे मैं youtube.com क्लिक करेंगे तो आपका youtube.com बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड साइट पे कंप्यूटर के जैसा ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा ओपन हो गया है। जी हाँ, तो जैसे आपका ओपन हो जाएगा तो आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस साइड में 3 डॉट, इस साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें तो इसके अंदर पूरा सारा फंक्शन आ जाएगा, जैसे कि हमारे में शो कर रहा है।
जैसे आपका सर्च करेगा तो इसके अंदर लिखा आपका चैनल, यानी कि योर चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे जो वहाँ पे आपने चैनल बना हुआ है यहाँ पे आपको शो करेगा, यानी कि आपका चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे आपका ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर जैसे हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो इसके अंदर हमारे वीडियो दिख रहा है, आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करें हैं तो आपको लिखना है कस्टम चैनल पर क्लिक कर देना है। कस्टम चैनल पर इसलिए मेरे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग होती है जिसको आप ऑन करेंगे, उसको आप यूज करेंगे तो आपका चैनल रैंक करेगा, कभी भी किसी भी नाम से सर्च करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल वहाँ पे शो करेगा, आपका वीडियो भी का आपका वीडियो का इंप्रेस भी भेजेगा यूट्यूब, वहाँ से व्यूज भी आएगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। तो आपको इसके अंदर ऑन करना, जैसे हमारा YT स्टूडियो बीटा ओपन हो रहा है, आपको प्ले स्टोर से जाके एक एप्लीकेशन YT स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है, जो तो उसको भी डाउनलोड कर लेना है और अपने अपने जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट को उसके अंदर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको देख सकते हैं ये हमारा YT स्टूडियो बीटा ओपन हो रहा है। जैसे आपका YT बीटा ओपन हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपके चैनल का पसंद अपने पसंद के मुताबिक से बनाना, इसको आपको सेट करना है। सेट करने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना और इस कोने पे मेरे दोस्तों जैसे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे इसके अंदर जो हमारे में दिया हुआ है आप में नहीं दिखेगा क्योंकि ये हमारा पुराना चैनल हो गया है, जो हमने वीडियो अपलोड किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे मेरे तो यहाँ पे जैसे चैनल का सेटिंग पूरा ओपन हो रहा है। जैसे आपका ये ओपन हो जाएगा तो आपको पहले सामान पे क्लिक करना है, सामान पे आपको दिखेगा $, आपको $ है या नहीं है तो आपको इसको क्लिक करके $ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर है तो आपको ऐसे ही रहने देना है, जो तो रहने देना। उसके बाद आपको डालना है चैनल पे, चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे सामान जानकारी बेहतर सेटिंग और सुविधा के लिए जरूरी शर्तें, तो आपको पहले सामान जानकारी पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देता है आप किस देश से हैं, यानी कि आपका चैनल किस देश में बन रहा है, तो आपको पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मैंने सारे देश वर्ल्ड का पूरा देश आ जाएगा, उसके अंदर से अपना भारत को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके अंदर कीवर्ड डाल देना है, कीवर्ड जो डालना है दोस्तों जो कि आपका वीडियो इसी कीवर्ड से रैंक करेगा। कैसे रैंक करेगा, जैसे ही हमारे पास देते हैं आपने चैनल का नाम डालना है, जैसे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना उस टॉपिक का टाइटल जो टैग है वो सारा कीवर्ड इसके अंदर भर देना है मिनिमम 500 शब्दों में। उसके बाद आपको इसको सेव करना है, अभी सेव नहीं करना है मेरे तो, उसके बाद आपको जाना है बेहतर सेटिंग में। बेहतर सेटिंग में आपको यहाँ पे दिखेगा दर्शक, और यहाँ पे देखना है कि आपका वीडियो किसके लिए बना है, यानी किसके लिए अपलोड किए हैं, तो आपको नहीं ये चैनल के बच्चों के लिए तौर पर नहीं सेट है, इसको आपको सेट करना है, लेकिन कि आपका वीडियो बच्चों के लिए है तो सेट करते हैं, नहीं है तो आपको नहीं पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वही सेटिंग आपको ऑन कर लेना। सुविधा के लिए जरूरी शर्तें, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं तीन शर्तें आपको ऑन करना है। पहला सेटिंग में देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, वीडियो अपलोड करने के लिए प्लेलिस्ट बनाने और प्लेलिस्ट में नए वीडियो को सहयोग जोड़ने की सुविधा चालू है। यहाँ देख सकते हैं हमारा चालू, इस पर आप क्लिक करके एक बार तो ये हमारा चालू है, इसको आपको चालू कर लेना है। चालू करने के बाद आपको देख सकते हैं इसके अंदर लाइव स्ट्रीम कस्टम थंबनेल और 15 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए इस सेटिंग को ऑन करना है। जैसे हमारे में चालू दिख रहा है इसको आपको चालू करना है, यानी कि इसके अंदर नंबर वेरिफिकेशन मांगेंगे तो इसके अंदर आपको अपना नंबर वेरिफिकेशन कर देना है। करने के बाद आपको बेहतर सेटिंग, पहले से मुकाबले रोज ज्यादा संख्या में वीडियो अपलोड करना, लाइव स्ट्रीम करना और कमाई करने के लिए आवेदन करना, यानी कि रोज ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करना लाइव स्ट्रीम करना, इसके लिए आपको सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको इसको भी चालू कर लेना है। इसके अंदर सिर्फ आपका जो पैन कार्ड है वो लगेगा और आपका ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो जाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप उसके बाद इसको हम फिर सेव कर देना है। सेव करेंगे तो सीधा आप बैक चले जाएंगे, या तो सेव करेंगे जैसे आप बैक चले जाएंगे, उसके बाद फिर वहीं पे सेटिंग पे ऑन करना है और फिर यहाँ पे आपको जाना है वीडियो अपलोड करने की डिफॉल्ट पे। या तो जैसे वीडियो अपलोड करने की डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सामान जानकारी और बेहतर सेटिंग ये है कि आप कोई भी वीडियो में टाइटल या थंबनेल नहीं लगाते हैं तो ये टाइटल थंबनेल लगा रहेगा तो उस वीडियो में ऑटोमेटिक लग जाएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नहीं भरना है तो यही डिस्क्रिप्शन लिंक आपके ऑटोमेटिक उस वीडियो में लग जाएगा। और जैसे यहाँ पे जैसे किसको देख सकता है इस पर आपको क्लिक कर देना है, आपको निजी रखना है, प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, तो आपको पहले रखना है कोई भी देख सकता है, यानी कि पब्लिक कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके अंदर भी आपको टैग भरना है तो आपको टैग भर सकते हैं, उसके बाद बेहतर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो टाइटल है किस भाषा में है, आपका वीडियो किस भाषा में है, तो इसको आपको पहले सेट करना है। जैसे कि वीडियो की भाषा है हमारा हिंदी, उसको सेट कर लेना है। अगर आप अन्य लैंग्वेज से वीडियो बनाते हैं तो वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है टाइटल और जानकारी की भाषा, यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक और टाइटल और जो टैग का जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में है या हिंदी में है, किस भाषा में है, तो आपको हमारे में इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश सेट कर लिया है, आप में जैसा रखना चाहते हैं वैसा आपको सेट कर लेना है। उसके बाद कमेंट को चालू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखते हैं कैप्शन सेफ्टी कि इस वीडियो को सिर्फ अमेरिका टेलीविजन पे ही प्रकाशित नहीं किया जाएगा, किया गया है मेरे तो, इसको आपको सेट कर लेना है, इस पर आपको सेट कर देना है। यह वीडियो अमेरिका टेलीविजन पे कभी प्रकाशित नहीं किया, आपको अपने यूट्यूब वीडियो में ओरिजिनल कंटेंट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना, सेव करेंगे तो ये फिर भी आप बैक चले जाएंगे। उसके बाद आपको फिर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है अनुमति पे,
जैसे आप अनुमति पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, कमेटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही किया है वैसा ही आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि कमेटी पर पोस्ट कमेटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे सभी चैनल मेरे वीडियो को डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने जिन चैनल को सजेशन ली है मेरे वीडियो को डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे वीडियो को देख सकते हैं कुछ भी उसके अंदर छेड़खानियाँ कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनेबल कर देना है और इसको आपको सेव कर देना है। इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल बन के मेरे दोस्तों रेडी हो जाएगा पूरे 40 जो जितना सेटिंग है वो फुल सेटिंग के साथ ही। तो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा आपको इससे कम टाइम में जो वीडियो चैनल बना के मैंने अपलोड किया है आज तक कोई भी यूट्यूब चैनल पे 12 मिनट में कोई भी यूट्यूब चैनल ने कोई भी यूट्यूबर ने इस तरह का यूट्यूब चैनल अपलोड नहीं किया है। तो मेरे तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा तो आप फिर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और जो जो जानकारी आपको लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर ये मिल जाए। जैसे कि आपके यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक भरना, टाइटल लिखना, टैग लिखना एंड स्क्रीन लगाना, आई बटन का में वीडियो लगाना और जो जैसे उन दर्शकों रिटेलर जो आपके सब्सक्राइबर जो नए हैं उनको जो वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर कर चुके हैं उनको जो वीडियो दिखाना चाहते हैं उस तक आपको इसके अंदर पूरी सेटिंग मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद करते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा टेस्ट पार्ट के, इसको जय हिंद, वंदे मातरम।